स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। 2 साल से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और उसी समय से स्कूल फीस 100% ली जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ पेरेंट्स, चलिए हम उनसे बात करते हैं उनको क्या क्या समस्या हो रही है स्कूल फीस को लेके। मेरा नाम मोहम्मद रशीद शेख है, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, कुलाबा तालुका बोर्ड से। मैं फिलहाल गीतानगर में रहता हूँ। आज जो ये स्कूल का 100% फीस लिया जा रहा है, ये काफ़ी पेरेंट्स लोगों को तकलीफ़ हो रहा है कि 100% फीस हम कैसे भरें, क्योंकि ये कोरोना बीमारी 2 साल तक चला, किसी की नौकरियां चली गई, किसी का रोज़गार चला गया, लोगों का दुकान बंद था और फीस भरने में दिक्कत आ रही थी उनको। लेकिन स्कूल के अंदर जब अभी स्कूल जो चालू हुआ, टीचर हो या प्रिंसिपल हो, हर पेरेंट्स को यही बोला जा रहा है कि आप 100% स्कूल का फीस भर दीजिए तो आपके बच्चों का स्कूल का ऑनलाइन चालू करेंगे। ऑफलाइन में दी जाती थी स्कूल के अंदर, वो 2 घंटा 3 घंटा केजी का हो या फर्स्ट का हो, 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई होती थी। अब इन्होंने स्कूल वाले ने क्या किया है कि 20 मिनट आधा घंटा में पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने से हमारे बच्चों को कोई शिक्षा इतना ज़्यादा प्राप्त हुई नहीं है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में। और मैं ये भी टीचर और प्रिंसिपल जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर ना तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अंदर कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। स्कूल ने उतना नहीं किया है, पढ़ाई नहीं उतना हुआ है कि वो बच्चे वो सीख जाए। अभी ऐसा है कि 2 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, काम छूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी राशन हम लोग को बाहर से डोनेशन मिलता है, वो लेके खा रहे हैं, तो फीस भरने के लिए पैसा है ही नहीं। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है उसका भी रिचार्ज के लिए पैसा नहीं होता है। जिस दिन पैसा नहीं होता है उसने 1 महीना पूरा पढ़ाई वेस्ट हो जाता है। फिर जब वापस ऑनलाइन जाते हैं तो टीचर बोलती है कि आप 1 महीना आए नहीं, तो मैं बोला कि पैसा नहीं है रिचार्ज करने के लिए। बोलते वो आपका लुकआउट है, हमारा नहीं है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। ऊपर से आधा घंटा पढ़ाएंगे और उसमें उन लोग का आधा घंटे में सब कुछ हो जाएगा। हम लोग अच्छा खासा 4 घंटा बच्चों को स्कूल में भेजते थे और अच्छा पढ़ाई होता था, और ये आधे घंटे में लोग सब कुछ पढ़ा के भेज देते और हमको पूरा फीस भरने बोल रहे हैं। जब मैं गया था मेरे छोटी बेटी का एडमिशन के लिए, तो उन्होंने बोलते पहले बड़ी बेटी का फीस भरो, फिर बाद में आपको छोटी बेटी का एडमिशन होगा। तो बोला अभी पैसे तो है नहीं, अगर एडमिशन नहीं होगा तो उसका पूरा साल वेस्ट जाएगा। बोलता वो हमारा लुकआउट नहीं है, आपका लुकआउट है, वो आप देख लो कैसे करना है। ऐसे रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे, पैसे नहीं है, काम नहीं है, खाना हमको संस्था दे रही है, क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल का रिचार्ज नहीं कर पा रहे, पढ़ाई भी रुका हुआ, सब कुछ प्रॉब्लम में ही है। आप बताइए हमको कौन मदद करेगा। यहाँ सरकार भी उनको कुछ बोल नहीं रहा है, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और बेइज्जती करते हैं दूसरे पेरेंट्स के सामने। तो तुम्हारी औकात नहीं तो इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला। तभी तो जब नॉर्मल था तभी हम फीस वगैरह सब भर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास काम नहीं है, धंधा नहीं, तो कहाँ से भरेंगे। उसके पहले हमारा एक भी फीस नहीं रुका, अभी अभी हमारा रुक रहा है, जिसमें हम क्या करें। हमारी परिस्थिति को सरकार कुछ एक्शन ले सकते ताकि हम आगे को बाद में फिर नॉर्मल फीस भर सकें। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा लड़का 3rd स्टैंडर्ड में अभी गया। उसके पहले मेरा अभी हस्बैंड 6-7 महीने से बेड रेस्ट पे है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो कंटिन्यू है 2 साल से, मतलब उनका जॉब भी नहीं है और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है। और उसमें फिर अभी गए साल में तो पढ़ाया था ऑनलाइन में, पर ये साल में जब वो स्कूल से ऑर्डर आया कि जब तक तुम फीस नहीं भरेगा तुम्हारा बच्चा आगे नहीं पढ़ सकते, फिर हम लोग कंटिन्यू जा रहे स्कूल में, जा रहे रिक्वेस्ट कर रहे सिस्टर से कि सिस्टर ऐसे से थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको थोड़ा वक्त दो या तो फीस आधा करो। तो स्कूल से सिर्फ एक ही सवाल जवाब दे रहे हमको कि तुमको कैसा भी करके तुमको पूरा फीस भरना है, वरना बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा और ना तुमको रिजल्ट दिया जाएगा। तो कैसे कैसे करके हमको थोड़ा बहुत हेल्प मिला तो हमने जाकर थोड़ा फीस भरा, तो भी उन लोग का यही कहना था कि तुम फुल फीस भरो, उसके बाद ही तुमको रिजल्ट दिया जाएगा। और अभी तक हमारे बच्चे को ना रिजल्ट दिया ना कुछ, और ऑनलाइन क्लास जो पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ आधा घंटा पढ़ाते हैं, उसमें भी उन लोग जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता बच्चों को। हाँ, 2 बच्चे है, 1 4th में 1 3rd में है, अभी दोनों का फीस भरना है तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। हाफ लेंगे तो ठीक है बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, अभी कुछ बोलेंगे बच्चे निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे हम। 4th और 3rd में है, फीस तो भरना ही है कैसा भी करके। नहीं, सरकार ने जो 100% कह दिया, कहना है जैसे स्कूल में ज़्यादा फीस ले रहे, टर्न फीस वगैरह जो बिल्डिंग का कुछ भी है ले रहे, उसको थोड़ा कम करवा दिया जाए। और घर में 2 जन कमाने वाले, एक काम करे बिना रह रहे और एक काम कर रहा है, कैसा होएगा।
आपको लगता है कि 100% जैसे इन लोग फीस ले रहे हैं तो वैसी स्टडीज हो रही है बच्चों की ऑनलाइन में? नहीं हो रही है, नहीं जो कैसी स्टडीज हो रही है फिर ऑनलाइन में? बच्चे बैठते हैं ऑनलाइन के लिए? बैठते हैं बच्चे, तो बैठते हैं, एग्जाम हो रहा है, सब हो रहा है, मगर इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता है, एक दिन नहीं हो रहा है, दो दिन नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। फिर मगर उन लोग दूसरा दिन बोलते तुम्हारा नहीं हुआ ना तो तुम अगले दिन करो करके बोलते। एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ही ट्वीट किया है कि जीआर उन्होंने स्कूल्स और प्रिंसिपल्स को दे दिया, तो आपको इस पे कुछ कहना है? एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा ताई गायकवाड़ जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे स्कूलों को दे दिया जाए जीआर, ताकि वो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना करे। वो हम जब भी उनसे बात करने जाते तो वो अभी भी ना तो बच्चों को प्रमोट किया गया है, ना बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, और ना ही स्कूल ऑनलाइन चालू किया गया है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि आपने ऐसा मैसेज किया था या ट्वीट किया था कि स्कूल अगर रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही है बच्चों को, या उनको निकालने की कोशिश करे, या फीस अगर बढ़ा दिया गया है, ऐसा अगर स्कूल कोई भी ऐसा अगर बर्ताव करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी मान्यता रद्द होगी। लेकिन अभी मैंने वो सोशल मीडिया पर ही देखा है, और जब मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात किया तो वो बोलते कि हमारे पास जीआर नहीं है, आपके पास जीआर है तो मुझे जीआर दिखाओ। आप हमें बताइए कि आपकी क्या समस्या है स्कूल फीस को लेके, आपको क्या लगता है कि हाँ 50% करना चाहिए? हाँ 50% तो करना चाहिए। अभी हमारे घर में तीन बच्चे जाते हैं, तो क्या बोले क्या जब तक बड़े वाले बच्चे का फीस नहीं भरेंगे तो उसका ऑनलाइन क्लास नहीं चालू होगा, तो हम क्या कर सकते बोलो? हम डर के आधा फीस सिर्फ एक साल का हम लोग 4,500 रुपये बिली फीस ही भरे हम लोग। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पे कई लोग जॉबलेस है, उनके पास पैसे नहीं है, स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है, और उसमें स्कूल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, उनसे 100% फीस की ही मांग कर रही है। तो इनकी एक ही गुजारिश है एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से कि जो फीस है 100% वो 50% किया जाए। तो आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही जुड़े रहिए तूफान खबरें से।